कोरोना वायरस की अभी तक कोई दवाई नहीं बनी है, ना ही कोई उसका टीका बना है। वैसे भी किसी भी वायरस की रोकथाम के लिए कोई मेडिसिन नहीं होती है, लेकिन उसकी रोकथाम के लिए केवल टीका ही होता है, और टीके को लगाकर ही हम किसी भी वायरस की रोकथाम कर सकते हैं। कोरोना वायरस का टीका आने के लिए अभी समय लगेगा, हो सकता है 8 महीने, 9 महीने लग जाएं, 1 साल और या 1 साल से ज़्यादा भी लग सकती है। इसलिए गवर्नमेंट ने जनता कर्फ्यू के लिए आह्वान किया है कि सभी अपने घरों में रहें, ताकि कोई व्यक्ति अगर संक्रमित होता है और यदि वो आपके संपर्क में आता है तो आप उस कोरोना वायरस से संक्रमित ना हो। तो जनता कर्फ्यू के लिए जो आह्वान किया है, ये जनता कर्फ्यू बहुत ज़रूरी है। मेरा नाम है डॉक्टर प्रकाश और आप देख रहे हैं डॉक्टर स्मार्ट हेल्थ केयर। कुछ लोग कह रहे हैं जनता कर्फ्यू का क्या फ़ायदा है, हमें घर में रुकने से क्या फ़ायदा होगा, क्या कोरोना वायरस ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोरोना वायरस घर में रुकने से ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जो गवर्नमेंट ने जनता कर्फ्यू का बोला है, घर में रुकने का बोला है, सोशल डिस्टेंसिंग का बोला है, लॉकडाउन का मतलब आपको अपने परिवार के अलावा अन्य किसी और व्यक्ति से नहीं मिलना, केवल आपको अपने घर में जो सदस्य हैं उनसे ही मिलना है, ना कि जो बाहर का कोई व्यक्ति है उनसे किसी को नहीं मिलना है। लॉकडाउन गवर्नमेंट ने यहाँ पर 21 दिन का लॉकडाउन कर दिया गया है। यदि यहाँ पर एक व्यक्ति बीमार होता तो दूसरा होगा तो तीसरा होगा, तीसरा से चौथा और चौथा से पाँचवा। यदि हम घर पर रुकेंगे, लॉकडाउन रहेंगे, तो जिस घर में जितने व्यक्ति हैं उतने ही बीमार रहेंगे, ना कि आप दूसरों को संक्रमित करोगे। यदि आप किसी व्यक्ति से मिलोगे तो आप दूसरों को भी संपर्क में आओगे और दूसरे व्यक्ति को भी आप संक्रमित कर सकते हैं। ऐसे मान लीजिए यदि आपको आपकी दादी दादाजी कहीं और रहते हैं, या फिर आपको किसी और से मिलने जाना, आपके फ्रेंड से मिलने जाना है, या फिर आपकी बुआ से मिलने जाना है, तो आप उनसे मिलने जाएंगे, यदि आपको संक्रमित हैं तो आप उनको संक्रमित कर सकते हैं, और यदि वो संक्रमित हैं आप उनसे मिलने जा रहे हैं तो वो आपको संक्रमित कर सकते हैं। इसलिए लॉकडाउन का बोला है कि आप केवल अपने ही घरों में रहें, यदि आपको संक्रमित हैं आप उस वायरस से तो आपको ही रहे, और यदि दूसरा कोई व्यक्ति है, आपके फूफा हैं, दादा हैं, जो भी हैं, अगर उस वायरस से संक्रमित हैं तो वो ही रहें, आपको उनका संक्रमण नहीं लगेगा और उनको आपका नहीं लगेगा। इसलिए लॉकडाउन का यहाँ पर पालन करना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन एक बात क्लियर है, यदि आपको कोरोना हुए, कोविड-19 डिजीज़ की प्रॉब्लम हुई, तो आप नाक छींक या बुखार आके आप उस संक्रमण को भगा दोगे, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, आपकी प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी है। लेकिन आपके घर में जो छोटे बच्चे हैं, जो दादा दादी हैं, या फिर जो भी बुज़ुर्ग हैं, वो उसको नहीं झेल पाएंगे और उनको बहुत ज़्यादा संक्रमित कर देंगे, हो सकता है उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए। इसलिए मैं आपसे, गवर्नमेंट बार बार आपसे निवेदन कर रही है, आपको सारे पुलिसकर्मी लगे हुए हैं और आपका पूरा मेडिकल स्टाफ लगा हुआ है, नगर निगम लगा हुआ, नगर पालिका लगी हुई है, कि आप प्लीज़ घर पर रहें और लॉकडाउन का पालन करें। आप तो संक्रमित होंगे ही, लेकिन उससे ज़्यादा आप दूसरों को संक्रमित करेंगे। लॉकडाउन से क्या फ़र्क पड़ेगा? तो भैया लॉकडाउन से ये फ़र्क पड़ेगा, यदि आप कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, आपको पता नहीं है कि मैं कोरोना वायरस से संक्रमित, और आप किसी को छूछा के आ गए, तो आप तो खुद संक्रमित हो ही, आप दूसरों को भी इन्फेक्टेड करोगे। मेरा तो भैया आप सभी से ये कहना है कि आप जो छोटे बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, जो बीमार व्यक्ति हैं, उनको कोरोना ना दें, आप अपने तक ही सीमित रहें। यदि आप 21 दिन का लॉकडाउन का पालन करते हैं तो आप तो बचेंगे ही, आपके साथ साथ आप दूसरे छोटे बच्चे हैं उनको भी बचा लेंगे, बुज़ुर्गों को बचा लेंगे, और जो जिनकी मेडिसिन किसी ना किसी डिसीज़ के कारण चलती रहती हैं उनको भी आप बचा लेंगे। तो भैया 21 दिन ही क्यों? यदि आपको ये इन्फेक्शन हुआ है तो आपको ये 5 दिन के अंदर ही सर दिखाएगा, ये 5 दिन के अंदर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपको ये इन्फेक्शन है कि नहीं। और यदि आपको ये इन्फेक्शन है तो आपको 5 दिन में खांसी, छींक, सर्दी, जुखाम, बुखार की प्रॉब्लम होने लगेगी और क्लियर हो जाएगा कि आपको कोरोना वायरस है। और यदि आप ये 5 दिन में आपने कोरोना वायरस को मार दिया, या आपकी सर्दी, जुखाम, खांसी की प्रॉब्लम ठीक हो गई, आपने कोरोना वायरस को मार कर भगा दिया, आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है तो आपने भगा दिया, लेकिन यदि आपको इसके बाद में कभी कोरोना होगा तो आपको ये कोरोना वायरस इन्फेक्टेड नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपकी इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा हो जाएगा, आपको जो कोरोना वायरस से लड़ने की क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, आप कुछ समझ पाएंगे कि आपको कोरोना वायरस से किस तरह से लड़ना है आपकी बॉडी को। तो इस तरह से आप कोरोना वायरस से लड़ सकते हैं और उसको मार कर भगा सकते हैं, लेकिन आपको अपने लिए नहीं करना है, केवल आपको अपने बुज़ुर्गों और बच्चों के लिए ये करना है लॉकडाउन का पालन।
WHO और अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों का कहना यह है कि यदि आप 15 से 21 दिन का लॉकडाउन कर लेते हैं, लोगों से इधर उधर ना मिलें, तो उससे 70% लोगों का शरीर कोरोना से इन्फेक्ट होकर कोरोना से लड़कर मजबूत हो चुका होगा, ये आगे नहीं बढ़ाएगा, केवल आप तक ही सीमित रह जाएगा। इसलिए आप लॉकडाउन का पालन करें और आपकी बीमारी किसी और को ना दें। आप अगर यदि आपके पास बीमारी है आप तक ही रखें, यदि दूसरों के पास बीमारी है कोरोना वायरस से संक्रमित हैं तो वो दूसरों के पास रहने दें, आप अपने पास ना लेके आएं। इसलिए घर पर रुकें, बिना वजह आप घर से बाहर ना निकलें, मास्क लगाकर निकलें और घर में आएं तो आप साबुन से या फिर हैंडवॉश से ही हाथ धोएं, और अपना ध्यान रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें और अपने माँ बाप बुजुर्गों का ध्यान रखें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि कोरोना वायरस को भगाने के लिए जो लॉकडाउन किया गया है वो लोगों को समझ में आ जाए कि किस लिए लॉकडाउन बहुत ज़रूरी है। लोगों से ना मिलें, घर पर रहें, सतर्क रहें और अपने बच्चों और बुज़ुर्गों का ज़रूर ध्यान रखें। यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि हेल्थ से संबंधित वीडियो सबसे पहले आपको मिल सकें। थैंक यू वेरी मच।